राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उड़ीसा दौरा का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज सिंगीपाल अभयारण्य का दौरा करने के अलावा कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार काफी तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेलारी और तुमकुरु में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार के सिलसिले में रोड शो और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लिए लोगो, शुभंकर जर्सी और एंथम का अनावरण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 74 थाना भवनों सहित 172 पुलिस गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन भवनों का उद्घाटन किया। कोलकाता से भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत हो रही है। इसके माध्यम से पर्यटक कई ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर सकेंगे। खगड़िया पुलिस ने अरौली अंचल में तैनात होमगार्ड जवानों के चोरी हुए राइफल और कारतूस को 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज भी आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है। पटना के मनुझा के स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत आयोजित महिला क्रिकेट लीग का हुआ समापन। सांसद सुशील मोदी ने विजेताओं को किया सम्मानित।